एग्जिट कॉन्सील्ड। Hey, pal, what the hell? What? Car problems, man! What? Yeah, put a sock in it! Move your bloody car, man! Doc, exit to seal. You gotta get out of here! Sir, शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम है, we might get delayed. Shut up! कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये उन्हीं लोगों की चाल है. Take the alternate route. लेकिन शनाय को कॉन्वॉय से बाहर निकाल लो. Now! Mind blowing. Excuse me. Sorry, भाई साहब बहुत तकलीफ हुई. एक एड्रेस बताएंगे? करण का है? पुलिस स्टेशन. बाकी दो? पुलिस स्टेशन. और तुम? मैं भी तो वही जा रही थी. You're true.
जी, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, पहले इस मोटे से बात करता हूँ। क्या है, मारता हूँ ना तुझे, तू रुक ना। तेरे हीरे अंगद अदिति की गाड़ी में ही थे, अब सिर्फ मैं हूं तेरे और हीरो के बीच। ये भी नहीं, अब सिर्फ तू है मेरे और हीरो के बीच। जोक था जोक डॉक, मेरे बंदूक में एक गोली अब भी बाकी है। जोक मेरा भी था अंगद, कि अकेली पिस्तौल नहीं थी। क्या करते हो तुम लोग? What? अंगद के साथ कभी चांस नहीं लेने का। राइट। कहानी इतनी अच्छी थी, वक्त का पता ही नहीं चला। प्रिया, ये पूजा। हाय। लकी। हेलो। करण। डॉक। करण, ये है प्रीति, तुम लोगों की न्यू पार्टनर। हेलो मिस्टर धनंजय जुम्बेवालकर। प्रीति डार्न गुड। करण, लेट्स गो। मैं वेकेशन पे हूँ तो चलें? चलना चाहिए, चलना पड़ेगा। बेबी, आज म्यूजियम देखने चलें? हाँ, कब? लेट्स गो। सुना है बहुत रेयर डायमंड है वहाँ। आपको लॉन्ग जर्नीज में क्या पसंद है, चुप रहना, बात करना या बातें सुनना? चुप रहकर बातें सुनना। इतनी लंबी तो आज तक मैंने भी कभी नहीं सुनाई। कहानी सुनोगे? डायमंड्स की कहानी, 200 कैरेट की। 200 कैरेट की डायमंड? साउंड्स इंटरेस्टिंग। ऑलराइट। 1836 की बात। आपकी आवाज को क्या हुआ, पानी मंगाओ? एक्सक्यूज मी, ये कहानी का एक कैरेक्टर है। क्या है ना कि पुराने जमाने की कहानियां इसी आवाज में अच्छी लगती है। ओके। तो 1836 की बात, साउथ इंडिया के डेक्कन रीजन में एक किसान को एक हीरा मिला। ऐसा हीरा आज तक किसी ने नहीं देखा, 200 कैरेट का हीरा। किसान ने वो हीरा अपने राजा को दे दिया और राजा ने वो हीरा एक अंग्रेज वाइसरॉय को दे दिया। जब हिंदुस्तान से वो हीरा इंग्लैंड जा रहा था, तब अंग्रेजी सरकार का जहाज एक समुद्री तूफान में डूब गया। ठीक 100 साल बाद
ऑस्ट्रिया में एक मछुआरे को वो हीरा फिर से मिला। मछुआरे से वो हीरा राजा ने लेकर उसके तीन टुकड़े किए और अपने तीन बेटों में बांट दिए। पहला बेटा हीरा जुए में हार गया। दूसरे से एक आर्मी ऑफिसर ने वो हीरा छीन लिया और तीसरे बेटे की तो एक स्मगलर ने हत्या कर दी उसी हीरे के लिए। फिर 1994 में इसमें से दो हीरे फिर से मिल गए बेल्जियम की एक म्यूजियम में, जहां अंकल नाम के एक आदमी ने वो हीरे लूट लिए। आज से 10 दिन पहले तक वो आखिरी हीरा गायब था, लेकिन 10 दिन पहले वो हीरा फिर से सामने आ गया केप टाउन में। बिजनेसमैन ने वो हीरा अपने बेटे को दे दिया। निकला राहुल, मारा पछिया तारो छे। प्लीज बाबा, मने नथी जोतू। आप अनवती छे। His hair here and there, I mean hair in the air, eyes piercing, little bit of stubble, और राइट आंख के नीचे एक बहुत बड़ा कट जो है वो नहीं था। और लेफ्ट आंख के नीचे? लेफ्ट आंख के नीचे सर लेफ्ट आंख थी नहीं, not there, cancel the left eye। आप इसे संभालो, हम इसे संभालते हैं। आइए सर, आपसे एक दो स्केच बनवाते हैं। Let's go. What are you doing? Okay. What are you doing? Put me down. Put you me just down. Made this whole trip. Good boy. Good boy. क्या कहा था तुम सर? सर, आपने ठीक कहा था सर, एकदम ठीक कहा था। और मेरा यकीन मानिए सर, आपका पहला वाला स्केच जो है वो मैंने इतना धुंधला बनवाया था ऐसा लग रहा है बादल बने हुए बादल फिर सर थोड़ी मार पड़ी सर, और आप देख ही रहे मैं कितना छोटा और कमजोर आदमी हूं ना सर। सर अभी काम करिए सर, यह हड्डी दिख रही है आपको, इधर एक जोर से मारिए सर, मेरी याददाश्त चली जाएगी, आपका टेंशन कम हो जाएगा और मेरा भी सर। याददाश्त का एक दूसरा इलाज है मेरे पास। किस टाइप का सर? क्या नाम है आपका? मुरली प्रसाद। क्या नाम है? प्रिंसेस। ये लो नया स्केच तैयार हो गया और इसका इलाज भी हो गया, याददाश्त ही चली गई। क्यों भाई? नाम क्या है तुम्हारा? प्रिंसेस। प्रिंसेस? व्हाट? इसकी यॉट का नाम है। चलो। ए टेढ़ फुट। प्रिंसेस। 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 Today's breaking news at News Plus. The girl has been identified as Aditi, one of the key suspects in the marked money robbery scandal. She was last seen at the local casino and was supposed. इसकी तो गाड़ी है मेरे पास। कल ये मुझसे कैसीनो में टकराई और गलती से हमारी चाबी एक्सचेंज हो गई थी। गलती से नहीं। इसने जानबूझ के चाबी बदली होगी। इसका मतलब हीरे उसी में, जिसमें हम थे अब तक। ओह गॉड, गाड़ी कहाँ है? जब गाड़ी हमारे पास थी तो हीरो का पता नहीं था, और जब हीरो का पता चला तो गाड़ी नहीं। आखिरी जोक डॉक, शनाया मेरे पास। अगर आधे घंटे के अंदर हीरे मेरे पास नहीं पहुंचे, ऐसा धमाका होगा कि गाड़ी में कुछ नहीं बचेगा। Half an hour, Doc. Ellar Hills. अब अंगद को कौन समझाए कि हीरे भी शनाया के पास ही हैं? 30 minutes, Miller Hills. अगर शनाया वहां पे पहुंच गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसे रास्ते में ही रोकना होगा। अगर ये शनाया को मिलने मिल्ला हिल्स आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं तो डेफिनेटली शहर से होकर जाएंगे। शहर में बहुत पुलिस है। Looks like it's the same plan. हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अंगद शहर के बाहर के रास्ते से ही जाए, फिर वो होगा और हम। चले? चलो। चलना चाहिए। चलना पड़ेगा। चाइनीज माफिया के साथ हफीज भाई ने डील किया था, हम सब
हफीज भाई की गाड़ियों में उनकी गोडाउन से निकलेंगे. दिस इज वन रूट थ्रू द मेन सिटी. बीच शहर से जाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम पर अटैक करना मुश्किल है. ये हफीज भाई कौन है? सिर्फ एक नाम है सर, हम हैं हफीज भाई. ये हफीज भाई कौन है? पहले नाम नहीं सुना कभी. घाना से आया है. सुना है कि किसे वो... सुना है? अंगद से. ये तुम्हारा अंगद मुझे कभी समझ में नहीं आया. तुम वाकई प्यार करती हो उसे? अक्सर लगता है. शहर में हमारे कॉन्वॉय पर अटैक करना मुश्किल होगा, और अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो यह है प्लान बी. हम कोस्टल रोड से जाएंगे. कुछ भी हो, कॉन्वॉय कहीं नहीं रुकेगा. हफीज का माल अगर अंदर से जाएगा तो कोई छू भी नहीं सकता उसे. उसे बाहर से लेके जाना पड़ेगा. कैसे? करेंगे कुछ. तीसरे फ्लोर पे एग्जीबिशन. ये है ही इतनी ऊंची के सिर्फ लग रही है. इस पूरे फ्लोर पे एग्जीबिशन है. पेंटिंग नंबर 301. क्या कितनी बड़ी है? और उसे लेकर तुम्हें पहुंचना है वहां 17 मिनट. पुलिस पीछे होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा. कितनी पुलिस होगी पीछे? आई मीन रफली. जब भागोगे तो पता चल जाएगा. कोई सिंपलर तरीका नहीं है पता करने का? 11:45. तुम्हें पेंटिंग यहाँ से फेंकनी है और तुम्हारा काम खत्म. समझ गया मैं. उस 30 माले की बिल्डिंग से पेंटिंग चुरा कर भागना है. पीछे कितनी पुलिस होगी मालूम नहीं. कितनी गोलियां चलेंगी पता नहीं. कितनी नाकेबंदी मिलेगी नो आइडिया. बस उस पेंटिंग को चुरा कर यहाँ आना और यहाँ से नीचे पानी में फेंकना है. इतनी बुरी पेंटिंग है क्या? You're a genius. Thank you. 2 करोड़ कैश. पहले बोलना था ना डॉक. कितना टाइम वेस्ट हो गया आधा सवाल बनाने में आधा सवाल पूछने में. तो चले. चलो चलते. Let's go. 11:45. वहां से एक पैकेट गिरेगा. उसे लेके तुम्हें समुंदर में 3 मील दूर जाना. वहां पे तुम्हारे लिए एक यॉट खड़ी होगी. वो पैकेट तुम वहां डिलीवर कर दो. ये सब काम के लिए तुम्हारे पास 10 मिनट है. 10 मिनट में 2 करोड़. बाकी की कहानी क्या है डॉक? बाकी की कहानी यह है कि कोई कहानी नहीं. इसका मतलब सब कुछ हो सकता है या कुछ नहीं. कुछ नहीं होगा तो तुम्हें मजा भी तो नहीं आएगा. तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर ऐतबार होता. डन डॉक. 20 मिलियन गाइस, 20 मिलियन. 11:30 तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए. 2 हीरे यॉट पर पहुंच जाएंगे. अगले आधे घंटे में अगर मैं तीसरा हीरा नहीं ला सका या तुम बाकी के पैसे नहीं ला सके तो द डील इज ऑफ. डायमंड्स अपनी जगह चले जाएंगे. वैसे तुम ले जा सकते हो. आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन. डायमंड्स के साथ इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए. जस्ट कीप योर आई ऑन हिम. अंकल, हाँ, आर यू हैप्पी? वेल, आई कुडंट बी हैप्पियर. Good, good, good. You're always happy, huh? Good.